अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है ना वो जैज़ कैश एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जैज़ कैश जो है ना वो कितने टाइप के कार्ड्स जो है ना वो ऑफ़र करता है और इन कार्ड्स में आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं और इन कार्ड्स की जो है ना वो फ़ीस क्या है। कंप्लीट जो है ना वो इन कार्ड से ही रिलेटेड इस वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट मैं इसी चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ। बेसिकली जैज़ कैश जो है ना वो तीन टाइप के कार्ड्स जो है ना वो ऑफ़र करता है। एक जो है ना वो मास्टर डेबिट कार्ड, सेकेंड जो है ना पेपा का कार्ड, थर्ड जो है ना वो वर्चुअल कार्ड। वर्चुअल कार्ड बेसिकली एक कार्ड ही होता है लेकिन आप जो है ना इसे फिज़िकली किसी जो है ना वो एटीएम मशीन पर यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप इस कार्ड को जो है ना वो डिफरेंट वेबसाइट्स पर और डिफरेंट एप्लीकेशंस पर ई कॉमर्स पेमेंट करने के लिए आप जो है ना वो इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी फ़ीस के बारे में बात करें तो वर्चुअल कार्ड इशू करने के लिए जो है ना वो 200 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पेपाक कार्ड के बारे में। पेपाक जो है ना बेसिकली पाकिस्तानी ही सर्विस है। इस कार्ड की जो टोटल फ़ीस है वो 899 रुपीज़ है और इसके अलावा जो इसकी एनुअल फ़ीस है 299 रुपीज़ जो है ना वो आपको एनुअल फ़ीस देखने को मिलती है। उसके बाद बात कर लेते हैं मास्टर डेबिट कार्ड के बारे में। मास्टर डेबिट कार्ड्स की जो फ़ीस है वो 599 रुपीज़ है लेकिन जैज़ कैश की तरफ से जो है ना वो ऑफ़र्स आती रहती हैं। इस टाइम भी जो है ना वो इनकी ऑफ़र चल रही है, आप जो है ना 1 रुपीज़ में मास्टर डेबिट कार्ड को जो है ना वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। मास्टर जो है ना बेसिकली अमेरिका की जो है ना वो सर्विस प्रोवाइडर है। मास्टर जो है ना वो अमेरिका का सर्विस प्रोवाइडर और पेपाक जो बेसिकली पाकिस्तान का है तो इसके जो है ना वो आपको ज़्यादा चार्जेस देखने को मिल रहे हैं और मास्टर कार्ड के जो है ना आपको कम चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। अभी ये ऑफर भी दे रहे हैं, आप जो है ना 1 रुपीज़ में मास्टर जो है ना वो डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। इन दोनों कार्ड्स में आपको जो है ना वो डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं लेकिन मास्टर कार्ड के जो है ना वो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। आपको जो है ना वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जो है ना वो डिस्काउंट देखने को मिलता है, जैसा कि दराज के ऊपर सम टाइम जो है ना वो ऑफर लगी होती है कि अभी जो है ना मास्टर कार्ड यूज़ करें और ये वाला कोड यूज़ करें, इतने परसेंट जो है ना वो आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है ना वो आप पेपाक और मास्टर कार्ड को जो है ना वो ई कॉमर्स शॉपिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप इन्हें जो है ना वो नेशनल सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के ही अंदर। उसके अलावा आप इसे जो है ना वो 16,000 एटीएम मशीन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो है ना वो लिमिट्स वगैरह भी आप इजीली सेट कर सकते हैं। डेली आप जो है ना वो 50,000 रुपीज़ एटीएम मशीन से विड्रा करवा सकते हैं लेकिन आप पेपाक का कार्ड जो है ना वो इंस्टेंट ले सकते हैं। मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस की जो है ना वो ब्रांच में जाने के बाद उसी टाइम आपको जो है ना वो पेपाक का कार्ड इशू कर दिया जाएगा लेकिन मास्टर डेबिट कार्ड हासिल करने के लिए आपको जो है ना वो ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना वो 7 डेज़ के अंदर आपको जो है ना वो डिलीवरी एड्रेस के थ्रू अगर आप मंगवाना चाहते हैं या फिर आप जो है ना मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस की ब्रांच में मंगवाना चाहते हैं तो आप इजीली जो है ना वो ऑर्डर करने के बाद अपने कार्ड को मंगवा सकते हैं। आप अपना कार्ड जो है ना वो 3 तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। एक आप जो है ना वो जैज़ कैश की ऐप से अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड आप जो है ना वो जैज़ कैश की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड आप जो है ना वो फ़ोन डायलर से अप्लाई कर सकते हैं। जैज़ कैश वेबसाइट से कार्ड ऑर्डर करने के लिए आपने जैज़ कैश कार्ड ऑर्डर पर क्लिक करना है। फर्स्ट वेबसाइट आपने जो है ना वो ओपन कर लेनी है एंड उसके बाद यहाँ पर गेट योर पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड ऑर्डर नाउ आपने जो है ना वो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है ना वो मास्टर डेबिट कार्ड भी दिखाया जा रहा है, उसके बाद पेपाक डेबिट कार्ड भी जो है वो दिखाया जा रहा है। वर्चुअल कार्ड आप जो है ना वो जैज़ कैश ऐप के ज़रिए ही ऑर्डर कर सकते हैं और उसी वर्चुअली आपको जो है ना वो कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVC कोड जो है ना वो दिखाया जाएगा। उसके अंदर आप कार्ड के अंदर डिपॉजिट करें, देन आप अपने कार्ड के डिटेल्स को डिफरेंट वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पर यूज़ करके जो है ना वो आप अपनी शॉपिंग वगैरह, पेमेंट्स वगैरह इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइम जो जैज़ कैश की ऑफ़र चल रही है
आप जो है ना 1 रुपीज़ में अपने मास्टर कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जो है ना वो मास्टर कार्ड को ही बाय करें। इसकी जो है ना एनुअल फ़ीस है और आने वाले दिनों में शायद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो है ना वो आपको 599 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन पेपाक के अंदर जो है ना वो 299 रुपीज़ आपको जो है ना वो सालाना चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आप जो है ना मास्टर कार्ड को ही ऑर्डर कर लें और इस पे जो है ना वो डिफरेंट वेबसाइट्स पर और एप्लीकेशंस पर डिस्काउंट्स भी आते रहते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपने अपना जो है ना वो मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपने जो है ना वो अपना CNIC नंबर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना मोबाइल नंबर और CNIC नंबर लिख लिया है एंड मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इन्होंने जो है ना वो नेम डिटेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगर आपका नेम जो है ना वो सही से डिटेक्ट नहीं किया तो आपने जो है ना वो इंश्योर करना है कि आपका नेम जो है ना वो एग्जैक्ट है। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, इसके अलावा आपके पास जो है ना वो मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो वो यहाँ पर आपने जो है ना प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है ना वो अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है एंड यहाँ पर हु रेफर्ड यू जैज कैश डेबिट कार्ड, किसने आपको जो है ना वो रेफ़र किया है, तो यहाँ पर आप जो है ना उसका मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिटी, आपने अपना जो है ना वो सिटी सेलेक्ट कर लेना है, मैं यहाँ पर सरगोधा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिलीवरी टाइप, आप जो है ना वो इस कार्ड को मुबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच में डिलीवर करवाना चाहते हैं या फिर आप जो है ना वो अपने एड्रेस पर इसको डिलीवर करवाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आपने डिलीवरी टाइप जो है ना वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है ना वो एरिया सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मैं अपना जो है ना वो एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने कंप्लीट जो है ना वो अपना एड्रेस बताना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और किसके जो है ना वो नज़दीक है और यहाँ पर जिस जो चीज़ आपके घर के नज़दीक है, फेमस है, उसका नेम यहाँ पर आपने प्रोवाइड कर देना है। तो यहाँ पर 4 स्टेप आ चुके हैं, नेम दिखा रहे हैं, मोबाइल नंबर दिखा रहे हैं और मेलिंग एड्रेस भी दिखा रहे हैं, कार्ड फी जो है ना वो 1 रुपीज़ दिखा रहे हैं, टू कंफर्म रिक्वेस्ट प्लीज़ प्रेस वेरीफाई एड्रेस एंड प्रोसीड बटन। तो यहाँ पर अगर आपकी डिटेल्स में इशू है तो आपने चेंज डिटेल पे क्लिक करना है, अगर आपकी डिटेल्स ओके हैं तो आपने वेरीफाई एड्रेस एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपकी ट्रांजैक्शन इन प्रोसेस में होगी। आप जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर जो है ना वो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, उस पर आपने जो है ना वो अपना जायज़ कैश अकाउंट का पासवर्ड लिखना है, जिस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जितनी फ़ीस होगी वो आपके अकाउंट से जो है ना वो कट हो जाएगी। अगर आप अपना पासवर्ड रॉन्ग लिखते हैं या विद इन 5 to 10 सेकेंड आप जो है ना वो अपने अकाउंट के पासवर्ड को नहीं प्रोवाइड करते तो आपको इस टाइप का एरर देखने को मिलेगा, रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, द रिक्वेस्ट हैज़ बीन कैंसल्ड। तो आपने अगेन जो है ना री अटैम्प्ट पे क्लिक करना है। सो फाइनली फ्रेंड यहाँ पर मेरी पेमेंट जो है ना वो सक्सेसफुली हो चुकी है और ऑर्डर भी जो है ना वो कंफर्म हो चुका है और यहाँ पर ये कुछ नोटिफिकेशन दे रहे हैं, ड्यू टू द करंट सिचुएशन डिलीवरी ऑफ योर जैज कैश डेबिट कार्ड मे टेक मोर देन टाइम देन यूजुअल, हाउ एवर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डिलीवर योर कार्ड टू यू विद इन 15 working days, स्टे होम एंड स्टे सेफ। आपके कार्ड को जो है ना वो 15 दिन लग सकते हैं डिलीवरी में। उसके बाद यहाँ पर आपको कार्ड रिक्वेस्ट नंबर बताया जाएगा और आपका जो है ना वो ट्रैकिंग नंबर आपके मोबाइल नंबर पर ही सेंड कर दिया जाएगा जब आपका कार्ड जो है ना वो डिस्पैच होगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी कार्ड बनाया हुआ है, अगर आपने अगेन अप्लाई किया है तो ऑटोमेटिकली आपका पहले वाला कार्ड जो है ना वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जो है ना फ़ोन डायलर से भी इजीली कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने *786# डायल करना है, उसके बाद आपने माय अकाउंट्स में जाना है, देन आपने जो है ना वो अपना कार्ड सेलेक्ट करना है, आप कौन सा जो है ना वो कार्ड बनवाना चाहते हैं। उसके बाद आपने जो है ना अपने कार्ड के नेम को सेलेक्ट करना है, अपना सिटी सेलेक्ट करना है, देन आपने अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है, आपका जो है ना वो ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जैज़ कैश ऐप से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जैज़ कैश डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 टाइप के कार्ड्स देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वर्चुअल कार्ड आप जो है ना वो जैज़ कैश ऐप के ज़रिए ही बना सकते हैं और यहाँ पर भी आपको मास्टर और पेपाक का कार्ड देखने को मिलेगा। तो आपने अपना कार्ड सेलेक्ट करना है, देन उसी तरह ही आपने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है,
और पेमेंट करेंगे, आपका ऑर्डर जो है ना प्लेस हो जाएगा। और आपके ही मोबाइल नंबर पे जब आपका कार्ड डिस्पैच होगा, आपको ट्रैकिंग नंबर सेंड कर दिया जाएगा, आप इजीली अपना कार्ड ट्रैक कर सकते हैं और आपका विद इन 15 डेज के अंदर आपका कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। लास्ट में एक चीज़, आगे वीडियो बहुत ज़्यादा जो है ना वो लंबी हो चुकी है, कुछ लोग जो होते हैं ना वो चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग जो है ना वो चीज़ों को जो है ना वो बहुत लेट एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता CNS नंबर क्या होता है, होम एड्रेस क्या होता है, तो इस तरह जो है ना वो सब लोगों को जो है ना इजीली बेनिफिट हो जाता है। तो ये कार्ड्स जो है ना वो आप नेशनल यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इनको जो है ना वो आप इंटरनेशनली शॉपिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना फेमस हो रहा है नया पे जैज़ कैश इजी पैसा की तरह ही है, बट इसके अंदर जो कार्ड्स आपको मिलते हैं उनको जो है ना वो आप इंटरनेशनली पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें नया पे के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा कार्ड मिलता है, इसी तरह सादा पे भी है, और वो फ्री कार्ड जो है ना वो आपको फिज़िकली घर में भी डिलीवर किया जाता है, और वर्चुअल कार्ड भी आप उसमें इजीली फ्री बना सकते हैं। उस पर आपने अकाउंट कैसे बनाना है, कार्ड कैसे बनाना है, तो वीडियो वो आपने लाजमी से देखनी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।